हेलो स्टूडेंट, टुडे माय सब्जेक्ट इज मैथ्स चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। हम मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम दो वीडियो पहले भी देख चुके हैं और उन वीडियो में हमने मल्टीप्लाई करना भी सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या है। मल्टीप्लाइंग टू डिजिट नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर्स, हमें टू डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है और विथ कैरी ओवर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमें दिया है मल्टीप्लाई 26 बाय 2। पहले मैं इसमें आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे कि मल्टीप्लाई 26 बाय 2, तो यहाँ पर देखिए स्टेप वन में हमें क्या दिया हुआ है, हम किस तरह से करेंगे। मल्टीप्लाई 6 वंस बाय 2, यानी कि जो हमारा 26 दिया है और यहाँ 2 दिया है, तो 6 वंस है हमारा और 2 भी वंस है, तो 2 से हम 6 वंस को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, 2 सिक्स हमारा कितना होता है 12, 2 सिक्स हमारा कितना होता है 12, 12 का हम यहाँ लिखेंगे राइट 2 इन वंस कॉलम। ठीक है, 2 जो लिखेंगे हम वो किस में लिखेंगे, वंस कॉलम, एंड 1 इज कैरी ओवर टेंस कॉलम। 1 हम कहाँ लिखेंगे, टेंस कॉलम में, क्योंकि वो हमारा कैरी है। क्या है, कैरी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या हुआ। मल्टीप्लाई 2 टेंस बाय 2, अब मल्टीप्लाई हमें करना है 2 को 2 टेंस, जो टेंस दिया है इस 2 टेंस को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले हमने वंस को मल्टीप्लाई किया, फिर अब हम किसको करेंगे, टेंस को करेंगे। ठीक है, अब 2 से हमने जब वंस को मल्टीप्लाई किया था तो हमारा 12 आया था, जिसके लिए हमने 12 में 2 हमने वंस कॉलम में लिखा था और यहाँ कैरी लगाया था हमने टेंस कॉलम में। अब इसी तरह से हम टेंस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 4 में जो ये कैरी होता है ऊपर लगा हुआ, इसको हम ऐड कर देंगे टेंस कॉलम में, ऐड कर देंगे 4 + 1 इज इक्वल टू 5, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52, सो प्रोडक्ट इज 52, हमारा क्या आंसर हो जाएगा 52। इसी तरह से अब हम यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स हमें कुछ समझ दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से होते हैं। 26 हमें यहाँ दिया है और यहाँ 3 दिया है, 3 से हमें 26 को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकालना है। अब हमने अभी यहाँ पर देखा था हमने कि हमने पहले वंस को मल्टीप्लाई किया फिर टेंस को किया, तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे, पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से, 3 को 6 हमारा वंस प्लेस पर है तो वंस में, यानी कि हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 हमारा कितना होता है 3 6 18, 3 6 कितना होता है 18, तो 18 का जो 8 है वो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ लिखेंगे हम, वंस कॉलम में लिखेंगे 8, और क्या बचा हमारा 1 1 बचेगा, तो वो हम क्या लिखेंगे, टेंस कॉलम में। ठीक है, अब इसी तरह से हम अब टेंस कॉलम को, यानी कि टेंस में जो हमारा नंबर दिया हुआ है उस नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 6 कितना हो जाएगा, 3 2 6, और 6 में जब हम ये 1 मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा कैरी लगा होता है, तो हम उसको टेंस में ऐड कर देंगे, टेंस कॉलम में ऐड कर देंगे, तो किस तरह से हो जाएगा, 3 2 6 + 1 इज इक्वल टू 7, सो आंसर क्या होगा हमारा 78। नेक्स्ट हम करके दिखाएंगे इसी तरह से, 33 हमारा यहाँ दिया है, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई हम किसको करेंगे, वंस कॉलम को करेंगे, यानी कि वंस नंबर जो हमारे वंस में नंबर दिया हम उसको करेंगे, 3 को करेंगे, 5 3 15, 5 का टेबल हम पढ़ेंगे 3 टाइम्स, कैसे 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, जब 3 टाइम्स हमने टेबल पढ़ा तो हमारा क्या आ रहा है 15, तो 15 का हमारा यहाँ क्या जाएगा 5, और वंस का आएगा हमारा टेंस कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको यहाँ ऐड करना है, तो हम कहाँ लिखेंगे, टेंस कॉलम में लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस को, टेंस नंबर में, टेंस कॉलम में जो हमारा नंबर दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 15 में जो वंस होता है हमारा, सॉरी कैरी लगा होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं, यहाँ कैरी 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, जो भी कैरी होगा हम उसको यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ पर हमारा 1 कैरी है, तो 5 3 हमारा 15 हुआ था, 1 प्लस करेंगे 15 में, तो कितना हो जाएगा हमारा 16, 15 + 1 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो 1 10 और 1 हमारा हो गया 100 प्लेस पर। ठीक है, सो नेक्स्ट इज 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 4 28, तो 28 का हमारा क्या आएगा यहाँ पर 8, और यहाँ पर 2 हमारा क्या आएगा, कैरी। ठीक है,
अब 7 1 7 7 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल के आया 98, क्या निकल कर आया 98। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले वंस कॉलम को करते हैं मल्टीप्लाई, वंस नंबर को जो भी होता है हमारा नंबर, फिर उसके बाद हम टेंस को करते हैं। अगर टेंस के बाद अगर हमें हंड्रेड्स में भी नंबर दिया हुआ है, कोई कोई डिजिट दे रखा है, तो हम फिर लास्ट मल्टीप्लाई किसको करेंगे, हंड्रेड्स कॉलम को करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाइंग टू डिजिट नंबर्स बाई वन डिजिट नंबर्स विदाउट कैरी ओवर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमें थ्री डिजिट नंबर्स को और वन डिजिट नंबर से, यानी कि एक नंबर से हमें तीन डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और विदाउट कैरी, इसमें कैरी भी नहीं आएगा। दिस लुक वेरी इजी, फर्स्ट मल्टीप्लाई द वंस राइट द आंसर, देन मल्टीप्लाई टेंस राइट द आंसर, फाइनली मल्टीप्लाई द हंड्रेड एंड राइट द आंसर। जैसे कि अभी मैंने आपको इससे पहले वाले उसमें बताया है कि जैसे कि हमने क्या किया, फर्स्ट हमने कौन से कॉलम को किया, हमने फर्स्ट वंस कॉलम को किया, फिर टेंस कॉलम को किया, फिर हंड्रेड कॉलम को करेंगे। ठीक है, वंस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर उसके नीचे लिखेंगे, टेंस कॉलम को करेंगे फिर उसका आंसर उसके नीचे लिखेंगे, फिर लास्ट इज हम हंड्रेड कॉलम को करेंगे और हंड्रेड का हम आंसर हंड्रेड के नीचे लिखेंगे। अब किस तरह से लिखेंगे, चलो मैं एक सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर दिया है हमें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें क्या दिया, 123 को 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो अब हम यहाँ पर करेंगे 123 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा वंस नंबर है, ये हमारा टेंस नंबर है और ये हंड्रेड्स, तो इसकी हमने प्लेस वैल्यू लिख ली, वंस टेंस एंड हंड्रेड लिख ली। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे वंस, मल्टीप्लाई वंस, टू थ्री जा वंस कॉलम में हमारा क्या नंबर है, थ्री, तो वंस को करेंगे तो हमारा क्या आएगा, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि टू थ्री जा हमारा कितना होता है, सिक्स, टू थ्री जा सिक्स हमारा हो गया। अब नेक्स्ट इज टेंस, टेंस मल्टीप्लाई नेक्स्ट किसको करेंगे, हम टेंस को करेंगे, यानी कि टू टू जा हमारा हो जाएगा फोर, टू टू जा फोर, और लास्ट इज यानी कि फाइनली मल्टीप्लाई द हंड्रेड्स, अब हम किसको करेंगे, क्योंकि हंड्रेड के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो हम फाइनली लास्ट में मल्टीप्लाई किसको करेंगे, हंड्रेड्स को करेंगे, तो टू वन जा टू, तो हमारा आंसर क्या आया, 246। इसी तरह से मैं आपको एक और सॉल्व करके दिखाती हूँ, यहाँ हमें दिया है 421, यानी कि 421 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किस तरह से करेंगे मैं ये भी बता देती हूँ, सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, वंस टेंस एंड हंड्रेड, फर्स्ट मल्टीप्लाई वंस, टू वन जा टू, सेकेंड मल्टीप्लाई टेंस, टू टू जा फोर, एंड फाइनली लास्ट मल्टीप्लाई हमारा कितना होगा, हंड्रेड्स को होगा, यानी कि टू फोर जा एट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 842, हमारा प्रोडक्ट निकल के क्या आया, 842। सो लास्ट हमारा इस चैप्टर में अब आया है स्टेटमेंट सम्स, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट सम्स दिए हुए हैं, किस तरह से, अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन फोर वीक्स, फोर वीक्स में कितने डेज होते हैं ये पूछ रही है, यहाँ पर ये बच्चे पूछ रही है फोर डेज में कितने डेज होते हैं, सॉरी फोर वीक्स में कितने डेज होते हैं, तो सबसे पहले हम वन वीक का हिसाब लगाएंगे, यानी कि डेज इन अ वीक, तो वन वीक में कितने डेज होते हैं हमारे, 7, ठीक है, डेज इन फोर वीक इज इक्वल टू 7 × 4, यानी कि जब हमारे वन वीक में 7 होते हैं तो 7 से हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, हमारे 4 वीक्स के डेज हमें पता चल जाएंगे कि 4 वीक्स में हमारे कितने डेज होते हैं, जैसे कि 7 × 4 इज इक्वल टू 28 हो जाएगा, जैसे कि 4 7 = 28, ठीक है, 4 7 = 28, 7 4 = 28, तो आंसर हमारा क्या आया, 28 डेज। इसी तरह से हमें नेक्स्ट डे है क्वेश्चन, देयर आर 150 टॉफीज इन अ पैकेट, यहाँ पर पैकेट में कितने देयर आर 150 टॉफीज इन अ पैकेट, हाउ मैनी टॉफीज आर देयर इन टू पैकेट, एक पैकेट में यहाँ पर कितनी टॉफीज है, 150 टॉफीज है, तो हाउ मैनी टॉफीज इन देयर इन टू पैकेट, दो पैकेट्स में हमारी कितनी टॉफीज होंगी, जब एक पैकेट में हमारी 150 टॉफीज है, तो अब हम इसको यहाँ सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, कहाँ सॉल्व करेंगे, हम यहाँ कप में सॉल्व करके देखेंगे,
यहाँ हमें क्वेश्चन दिया था देयर आर 150 टॉफीज इन अ पैकेट. तो टॉफीज सबसे पहले हम लिखेंगे टॉफीज, ठीक है, ये हो गया हमारा टॉफीज इन वन पैकेट इज इक्वल टू, वन पैकेट में कितनी टॉफीज थी 150, कितनी टॉफीज थी 150. सेकेंड हमारा टॉफीज इन टू, इन टी डब्ल्यू है ये, टू पैकेट्स, ठीक है. अब जब हमारे वन पैकेट में 150 टॉफीज थी तो यहाँ पर बोला गया टू टॉफीज इन टू पैकेट्स, यानी कि टॉफीज इन टू पैकेट्स, टू पैकेट्स में कितनी टॉफीज होंगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई टू, यानी कि टू से 150 को हम मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, 150 और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम इसकी, वन टेंस एंड हंड्रेड, इससे हमें बहुत इजी रहता है सॉल्व करने में, ठीक है. सबसे पहले हम वंस कॉलम को, वंस को करेंगे टू जीरो, जीरो से मैंने आपको बताया था कि जीरो से हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, ठीक है. तो टू जीरो यहाँ क्या जाएगा, जीरो. टू फाइव जा टेन, तो टेन का यहाँ क्या जाएगा हमारा, जीरो कैरी वन, ठीक है, हंड्रेड कॉलम में. टू वन जा टू और वन प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, थ्री. तो यहाँ पर क्या आंसर है हमारा, 300. तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा 300 टॉफी, 300 टॉफीज, ठीक है. तो आंसर हमारा क्या आ गया, 300 टॉफीज. इस तरह से हम स्टेटमेंट को लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश्ड होता है. आई होप सो आपको अच्छे से ये मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. मैंने तीन वीडियो बनाई है इस चैप्टर पे, आप इससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको मल्टीप्लाई सिखाया गया है. और आप इस वीडियो को भी अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आपको और इसकी जितना भी मैंने आपको समझाया इसकी घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करना आ जाए. और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि आपको 2 से 10 तक टेबल बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए, जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो.